में कहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढने। तो जरासंध को जीवित इसलिए छोड़ दिया कि वो बदला लेने फिर से दुष्टों को इकट्ठा करके लाएगा, तो ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे सबका वध हो जाएगा। तो ठाकुर जी हर बार सेना को मार देते पर जरासंध को छोड़ देते, और इस तरह से 17 बार जरासंध आया है और 17 बार उसकी सेना को मार दिया पर जरासंध को नहीं मारा। 18वीं बार आया काल्यवन, काल्यवन को ठाकुर जी ने मुचकुंद जी के द्वारा समाप्त करा दिया। मुचकुंद जी को यह वरदान था देवताओं का कि जो आपको जगाएगा वो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो काल्यवन से भगवान ने युद्ध ना करके उसे मुचकुंद जी के सामने ले गए हैं, स्वयं जाकर छिप गए। काल्यवन को लगा यही कृष्ण ढोंग करके सो रहा है, जैसे ही लात मार के जगाया मुचकुंद जी जागे और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन भस्मीभूत हो गया। इसके बाद 18वीं बार फिर से जरासंध युद्ध करने आया है। इस बार भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, मथुरा के जितने भी यदुवंशी थे समुद्र के भीतर द्वारिकापुरी बनी और सब यदुवंशियों को वहां भगवान ने योग माया से पहुंचा दिया। 18वीं बार जरासंध ठाकुर जी को न देखकर ये सोचकर लौट गया कि लगता है अब मेरा शत्रु समाप्त हो गया। उसने ये तो सोचा भी नहीं था कि समुद्र के भीतर भी कोई नगर बन सकता है, द्वारिकापुरी की तो उसे कल्पना भी नहीं थी। और इधर ठाकुर जी ने इसके बाद रुक्मिणी हरण किया, तो परीक्षित जी ने पूछा है कि रुक्मिणी हरण क्यों किया? अरे ठाकुर जी को तो विधिवत विवाह करना चाहिए था, हरण कर लाए कहीं से, ये तो एक राक्षस विधि से विवाह हुआ। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित जी इसका कारण था कि सारा परिवार तो चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, पर केवल एक इनका जो बड़ा भाई था रुक्मी, ये अकारण भगवान से चिढ़ता था। जब इसे पता चला कि मेरे पिता मेरी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते हैं, तो इसने मना कर दिया कि मेरी बहन का विवाह तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ होगा। अब शिशुपाल के साथ सब विवाह की तैयारियां कर दी, पर जब विवाह होने में कुछ ही दिन रह गए थे, रुक्मिणी जी को जब पता चला कि शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, रुक्मिणी जी ने सोच लिया चाहे मरना पड़े पर ऐसे विनाशी पुरुष को तो मैं कभी वर्ण नहीं करूंगी। एक भक्त ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने अपना गुप्त संदेश भेजा है। ठाकुर जी ने जब उस गुप्त पत्र को पढ़ा है जिसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर क्षण वतांते, हे नाथ मैंने आपको देखा नहीं है पर आपके गुण सुनने मात्र से मेरा ऐसा प्रेम आप में हो गया है कि चाहे एक जन्म नहीं 1000 जन्म लग जाए पर मैं वर्ण करूंगी तो आपका ही, बाकी किसी का वर्ण नहीं करूंगी, तो आप कृपा करें मेरे इस प्रण की रक्षा करें। रुक्मिणी जी के प्रेम को देखकर भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे हरण ही करके लाना पड़े पर रुक्मिणी जी को लाएंगे ही। अब ब्राह्मण देवता के साथ जब पता चला कि विवाह में ज्यादा समय नहीं है, एक रात है बस, तो उधर से शिशुपाल भी आ गया बरात लेकर, इधर से ठाकुर जी भी पहुंच गए। अब दाऊ जी सोच रहे हैं दो दो बारात आई है, लड़ाई तो होगी क्योंकि वधू तो एक ही है, किसी एक ही बरात को मिलेगी वधू। तो दाऊ जी पहले ही समझ गए युद्ध होगा, तो वो अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर गए। अब इधर ठाकुर जी जब आए हैं तो उस समय जैसा कि जो जवाई होता है उसको बहुत सा सामान दिया जाता है, राजा भीष्मक जो रुक्मिणी जी के पिता हैं वो उसी तैयारी में लगे हुए हैं। अब जब ठाकुर जी आए ब्राह्मण देवता भी समझ गए कि अब प्रभु प्रण कर लिया है तो रुक्मिणी जी को लेकर ही जाएंगे। राजा भीष्मक ने देखा स्वयं भगवान आए हैं, पर भीष्मक सोच रहे थे कि ये कन्या का विवाह देखने आए हैं, अब उन्हें क्या पता कि कन्या का विवाह इन्हीं के साथ होने वाला है, राजा भीष्मक को भी नहीं पता। तो सामान लेकर जा रहे थे शिशुपाल के साथ, सब उसका वागदान करने, उसको सब जो वस्तुएं दी जाती हैं विवाह में जैसी परंपरा होती है। अब जैसे ही बीच में ठाकुर जी आते हुए दिखाई पड़ गए तो उनका इतना सुंदर रूप था कि राजा भीष्मक ने जाकर प्रणाम किया, तो जितने जो उनके साथ कन्या पक्ष के लोग थे जो सामान लेकर आए थे कि जाकर देंगे शिशुपाल का सत्कार करेंगे, अब उन्होंने भी शिशुपाल को कभी देखा नहीं था। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखकर सब सोचने लगे कि भाई यही है रुक्मिणी जी के पति, तो जो भी सामान लाए थे शिशुपाल को देने वो सब ठाकुर जी को चढ़ा दिया। और बार बार राजा भीष्मक कहें प्रभु कृपा करो ऐसे ही हमारे धाम में आते रहो, हमारे यहाँ पधारते रहो। ठाकुर जी हंस गए, हाँ भीष्मक जी चिंता मत करो अब तो आते ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है कि विवाह तो उनके साथ ही होने वाला है। अब एक रात की देरी है और एक दिन पहले जैसा कि प्रथा है कन्या जब विवाह होता है तो विवाह के पहले गौरी पूजन करने के लिए जाती है,
तो वहां रुक्मणी जी स्वयं अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव माँ के मंदिर में श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हों ऐसा मनोरथ करके और गौरी पूजन करने के लिए चली हैं। जय जय गिरिवर प्रार्थना की है। हे नाथ, कोई भी मेरा पुण्य कर्म हो, श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। और ऐसा जब मनोरथ किया है रुक्मणी जी ने, उधर ठाकुर जी के प्रतीक्षा में धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है श्याम सुंदर आएंगे और यही समय है हरण का। अब रुक्मणी जी ने भी कभी ठाकुर जी को देखा नहीं और श्याम सुंदर ने भी कभी रुक्मणी जी को देखा नहीं, और हरण करना है तो कैसे पहचाने। रुक्मणी जी जानबूझ के धीरे 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 सहेलियों के साथ चल रही हैं। उसी बीच में उधर से श्याम सुंदर आए हैं, सब राजकुमार खड़े हैं और सब राजकुमारों के खड़े हुए उनके देखते देखते रुक्मणी जी का हाथ ठाकुर जी ने पकड़ा है और उनका हाथ पकड़ के वहां से उन्हें भगाकर ले गए, हरण करके ले गए। रुक्मणी को भगाए के ले गयो री, रुक्मणी को भगाए ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो किया है। और उसके बाद विधिवत रुक्मणी जी को साथ लिए द्वारिकापुरी में आए हैं, जहां विधिवत ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ रुक्मणी जी का और श्री द्वारिकानाथ भगवान का विवाह संपन्न कराया। कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री कृष्णरुक्मिणी रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए रुक्मिणी रमण विहारी लाल की। पूजन कर दीजिए संक्षेप में। हाँ वरमाला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हरि ओम मानो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो वपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमित्प्रधै असन्न प्रायुवो रक्षितारो देवे देवे देवानां कं समदृजूयताम्
बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय। अब एक छोटा सा हम लोग गाएंगे और जो कृष्ण विवाह उत्सव में जिसे भी नाचना हो सब लोग बराती बन के और ठाकुर जी के नाचेंगे। रंग बरसे नंद लाल की बारात में रंग बरसे संग चलते
रसिया तो होना चाहिए भैया, विवाह का एक रसिया, विवाह का एक रसिया तो होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब आप लोग विराज जाइए थोड़ी देर के लिए। आपने आज अभी ब्रज लीलाओं का आस्वादन किया, अब थोड़ी देर के लिए आपको ब्रज में ले चलते हैं। एक 5-7 मिनट का प्रेजेंटेशन है, वो आपको देखने का मौका मिलेगा और आप ब्रज में पहुंच जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी ब्रज नदी जो श्री रमेश बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज को नष्ट होते हुए देख करके उन्होंने ब्रज को बचाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। 62 वर्ष हो गए उनको ब्रज में रहते हुए, इलाहाबाद के रहने वाले रहे, उद्वट विद्वान रहे हैं, टॉपर रहे हैं और उनकी छाप आप देख रहे हैं मुरलिका जी। ये जो कुछ इन्होंने सीखा पूज्य महाराज जी के चरणों में रहकर के सीखा, उन्होंने ब्रज को बचाने के लिए जीवन को लगा दिया। देवतुल्य पर्वत उनको डायनामाइट से उड़ाया जा रहा था, उनको बचाने के लिए बड़े संघर्ष किए गए, माफियाओं से लड़ाई हुई और यहां तक हुआ कि हमारे जो मंदिर का कार्यभार जो देखते हैं मैनेजर साहब, उनके एक भाई का किडनैप कर लिया गया, एक का गोली से उनकी आंख खत्म हो गई, लेकिन ये सब चीजें रहे आए और उनको बचाया और आज स्थिति ये है कोर्ट से उन पर्वतों की रक्षा का आदेश हो गया है और वो सुरक्षित हो गए, माइनिंग वगैरह बंद हो गई, वनों को काटा जा रहा था, उन्होंने इनको रोका और लगभग 1.5 लाख पेड़ लगवाए हैं ब्रज में। गौ माता बड़ी उपेक्षित रही, पूज्य महाराज जी की माता जी जिनके इकलौते बेटे थे महाराज जी, 40 वर्ष तक वो ब्रज में रही और उसके बाद 2007 में 105 वर्ष की आयु में उनका शरीर छूट गया। उनकी स्मृति में 7 के बाद में गौशाला का निर्माण हुआ और महाराज जी ने कहा था यदि निष्ठा के साथ में श्रद्धा से सेवा करोगे तो विश्व की प्रसिद्ध गौशाला होगी। आज उस गौशाला में जिसमें 5-7 गायों से शुरू की गई थी, आज उसमें 35,000 गाय हैं और वो गाय ऐसी हैं जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है।
लूली लगड़ी हर तरह की गाय है, 10,000 से ज्यादा तो बछड़े और सांड हैं, गोवंश हैं, और उन सब की मातृवत सेवा की जाती है। ब्रज में गुजराती लोग जानते हैं यमुना जी का कितना बड़ा महत्व है। यमुना जी के बिना ब्रज की कोई सत्ता ही नहीं है। यमुना मैया की हम जय बोलते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है, यमुनोत्री से जो यमुना जी का जल आ रहा है, हरियाणा के हथनी कुंड में वो सारा जल बांध बनाकर के रोक दिया गया है। हथनी कुंड से दिल्ली होते हुए यमुना जी आती है ब्रज में। हथनी कुंड दिल्ली के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, जिसमें दो बूंद भी पानी नहीं, और दिल्ली से यमुना जी शुरू हो जाती है। कैसे, करोड़ों लोगों का जो मलमूत्र है वो यमुना जी के रूप में आ रहा है, उसी का भक्त लोग आचमन करते हैं, अपने ठाकुर को नहलाते हैं। कितने पाप की बात हो रही है। इन सबको देख करके हमारे पूज्य महाराज जी ने लोगों को प्रेरित करके, उनसे प्रेरणा लेकर के एक आंदोलन किया। 2011 में आंदोलन किया, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक पैदल आए हजारों लोग। दूसरी बार 2013 में किया, सरकार ने आश्वासन दे दिया लेकिन कुछ नहीं किया। अब पुनः 2015 में 15 मार्च से एक विशाल आंदोलन हुआ, जिसमें करीब 1.5 लाख आदमी मौजूद थे, हजारों वाहन थे, 15 किलोमीटर के बीच में ये जन सैलाब था। और ये सब देख करके हमारा उद्देश्य ये था कि ये कार्य मोदी जी इसको प्राथमिकता दें। हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस दृष्टि से कि यमुना जी का कार्य होना चाहिए, ये बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। इसमें गुजरात से बड़ी सहायता मिली, आचार्य लोगों ने भी मदद की इसमें, और साधु संतों ने, सभी ने किया। अब आशा है यमुना जी का कार्य हो जाएगा। अभी दो बोरियां खोल दी गई हैं, जिसमें 10 क्यूमेक्स पानी, इसका मतलब 10,000 लीटर पर सेकंड इतना पानी छोड़ दिया गया है। और प्रयास चल रहे हैं पैरेलल नाले बनाने के लिए, जिससे गंदा पानी न जाए। प्रभु की कृपा से, महाराज जी के प्रयास से उसमें भी सफलता मिलेगी। वो आप सब लोगों का सहयोग रहा। ये सब चीजें आपको देखने को यहां मिलेंगी। ये दिखाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि आपसे कोई डोनेशन इकट्ठा करना है। हम ये चाहते हैं कि आप भी ब्रिज में जुड़े, और आपका ब्रिज के प्रति लगाव होना चाहिए। आप भी अपने को ब्रिज का एक अंग समझें, जिससे कि भगवान की स्मृति में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है, ब्रजवासी पल्लव सदा, मेरे जीवन प्राण इनको कबहू न बिसारी हो मोर नंद बाबा की आन। मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रजवासी मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को मैं कभी नहीं भूल सकता। कृष्ण हमारे रहें, हम कृष्ण के रहें, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। और आप हम सब लोगों से यही चाहते हैं कि आपका रोम रोम कृष्ण के लिए, ब्रज के लिए अर्पित हो। अब आप देखेंगे नंबर 4 में।
Gracias.